जानेंगे कि हम अपनी कद को कैसे बढ़ाएं, अपनी लंबाई को हम कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति की ये चाह होती है कि उसकी एक लंबाई, एक लिमिट लंबाई हो, क्योंकि अगर आपकी लंबाई कम है होती है तो अपने आप को देखने में या अपने आप को बहुत जो है इग्नोर लगता है, कहीं जाने में आपको बोर फील महसूस होती है। तो दोस्तों, इससे आपको बोर फील होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका समाधान कि आप अपनी लंबाई को कैसे बढ़ाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप जानेंगे कि लंबाई जो कम होती है उसकी कारण क्या है। तो दोस्तों, इसकी जो फैक्ट कारण है वो तीन कारण मानी जाती है, जिसका सबसे पहले फर्स्ट जो कारण होती है वो है आपको जिनेटियल। जिनेटियल के अंतर्गत वो कारण आते हैं जिसमें कि अगर आपके माता पिता की लंबाई कम है तो वैसे जो उनके संतान होते हैं उनकी लंबाई कम होती है। दूसरा कारण होता है वो होता है आपको हार्मोनल, क्योंकि हमारी लंबाई को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर से एक ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन होता है, और उस ग्रोथ हार्मोन अगर कम मात्रा में अगर स्राव होता है तो उस परिस्थिति में हमारी लंबाई जो है वह कम जाता है। और तीसरा दोस्तों कारण होता है वो है आपको हमारा न्यूट्रिशन। अगर हमारा खान पान जिसमें प्रोटीन की कमी हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा यानी किसी भी अगर मिनरल्स की कमी होती है तो उस परिस्थिति में भी हमारी लंबाई कम जाती है। तो इन सारी बातों की समाधान के लिए हम होम्योपैथिक की सबसे पहली जो दवा रिक्वायर करते हैं, जो सबसे पहली दवा जो दी जाती है उसमें ब्राइटा कार्ब। दोस्तों, ब्राइटा कार्ब 200 नंबर की मेडिसिन लेना है और उसको डायरेक्ट जुबान पर सुबह, दोपहर और फिर रात्रि में तीन बार लेना है, 2 से 3 बूंद डायरेक्ट अपने जुबान पर लेंगे। इस दवा को कंटिन्यू आपको 1 महीने तक 200 पोटेंसी को लेना है। फिर दूसरी मेडिसिन जो है उसमें आपको आता है प्यूटेटरी ग्लैंड 3X दवा जो है वह आपको स्वेवी कंपनी की आती है या जर्मन कंपनी की आप मेडिसिन इसको ले सकते हैं, जो बहुत ही इफेक्टेड होता है। इसको आपको एक एक गोली सुबह और शाम करके इसको कंटिन्यू आपको लगभग 6 महीना तक लेना है। और तीसरी दोस्तों मेडिसिन है वो है आपको राइट हाइट। तो राइट हाइट जो है यह SVL कंपनी की है और ये भी बहुत ही उपयोगी है लंबाई को बढ़ाने के लिए। तो इस दवा को हम सिंगल एक टैबलेट जो है वह प्रत्येक दिन एक टैबलेट जो है प्रत्येक दिन इसको लेनी है। दोस्तों, अगर इन तीनों दवा को अगर आप एक साथ लेते हैं तो शुरुआती दौर जो है ब्राइटा कार्ब शुरू में आपको जैसा कि मैंने बताया कि 200 पोटेंसी की लेनी है। इसको 1 महीना 200 लेने के बाद पुनः उसको हम 1 mg पोटेंसी की दवा लेंगे, जो कि उसको सिंगल सुबह के सुबह केवल जो है लेना है, उसको 1 महीना तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद दोस्तों उसको अल्टरनेटिव यानी तीसरे महीना में जो लेंगे हम उसको अल्टरनेट लेंगे, यानी एक दिन छोड़ करके हमको 200 पोटेंसी की दवा लेनी है। इसी क्रम से हमको लगातार जो है 5 से 6 महीना तक अगर हम इस दवा को अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारी ग्रोथ, हमारी लंबाई जो है आवश्यकता के अनुसार आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हो प्लीज कमेंट करके आप बताएंगे और हमारे चैनल को होम्योपैथी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे। और आप लोग को आप जो भी आवश्यकता हो, जो भी जरूरत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।